तो फ्रेंड्स वेलकम करता हूं मैं आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज हम बात करने वाले हैं टाउन हॉल 17 के अपकमिंग अपडेट्स के बारे में। यस गाइस, क्लैश ऑफ क्लैंस वालों ने रेडिट पे एक Q&A रखा है जिसके अंदर उन्होंने अपकमिंग अपडेट्स के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किए हैं। अब देखो, जितने सारे कमेंट्स के रिप्लाइज क्लैश ऑफ क्लैंस वालों ने किया है वो सभी दिखाने से अच्छा है मैंने उन सभी का एक लिस्ट तैयार कर लिया जो कि मैंने अपने नोटपैड पर लिख रखा है। सारे डिटेल्स मैंने लिख रखा है, जहाँ पर 10 लिस्ट मैंने लिखा है और एक बोनस भी है। तो सभी चीज़ को मैंने एनालाइज करके फाइनली कंबाइन कर लिया है और वो सारे स्क्रीनशॉट दिखाने से अच्छा है मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन करके बता दूँ। तो देखो, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, सो बस एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो में इन तक बने रहना। एंड देखो, टाउन हॉल 17 से रिलेटेड मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था, तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। बाय द वे, इस वाले वीडियो में हम लोग उसको भी कवर करने वाले हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले इसी तरीके के और भी मोर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड अगर एक नया इन्फॉर्मेशन मिले इस वाले वीडियो के थ्रू देन डेफिनेटली एक लाइक कर देना। सो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखो, रेडिट के ऊपर प्लेयर्स ने जो भी क्लैश ऑफ क्लैंस से क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, सिंपल क्लैश ऑफ क्लैंस वाले ने क्या रिप्लाई किया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया है न्यू हीरोज़ को लेकर, तो उसका क्लैश ऑफ क्लैंस वालों ने सिंपल सा आंसर दिया है कि वो एक न्यू हीरो टाउन हॉल 17 पे ऐड करने वाले हैं। और इसके डेटा फाइल से भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले कि यार जो न्यू हीरो वो गेम के अंदर बहुत ही जल्द आने वाला है। एंड ये भी क्लैश ऑफ क्लैंस वालों ने बोला है कि टाउन हॉल 17 गेम के अंदर बहुत ही जल्द आने वाला है, हो सकता है कि इसी ईयर हमें देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि टाउन हॉल 17 पे क्या हमें कोई और डिफेंसेस देखने को मिलेंगे, कोई नए डिफेंसेस। तो उसका भी आंसर क्लैश ऑफ क्लैंस वालों ने क्लियरली दिया है कि टाउन हॉल 17 पे हम कोई भी न्यू डिफेंस नहीं ऐड करने वाले हैं। सिंपल सा, जो आर्चर टावर और जो कैनन है जो सिंगल है उसे हम लोग मर्ज करने वाले हैं। तो यहाँ से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गया कि टाउन हॉल 17 में कोई भी न्यू डिफेंस नहीं मिलेगा। सिंपल सा, जो आर्चर टावर है और जो कैनन है उन सभी को आप लोग मर्ज कर पाओगे। उसके बाद अपकमिंग सीनरीज को लेकर पूछा गया था, तो क्लैश ऑफ क्लैंस वालों ने बोला है कि हम लोग नेक्स्ट मंथ के अंदर ना एक न्यू वॉर बेस्ड लीजेंडरी सीनरी लाने वाले हैं नेक्स्ट मंथ के अंदर। ये क्लैश ऑफ क्लैंस वालों ने बोला था और ये था हमारा तीसरा नंबर लिस्ट, मतलब हमारे लिस्ट का तीसरा अपडेट। और बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, चौथे नंबर के बारे में, तो वो है गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैनन और आर्चर टावर को वो लोग मर्ज करने वाले हैं, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। और टाउन हॉल 17 पे हमें कुछ और डिफेंसेस के मर्जिंग देखने को मिलने वाला है। और हाँ, एक और बात कि क्लैश ऑफ क्लैंस वालों ने ये भी बोला है कि वो लोग हीरोज़ को लेकर ना कुछ बिग चेंजेस करने वाले हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो चेंजेस ये होगा कि अगर टाउन हॉल 17 पे एक न्यू हीरो आता है तो वो हो जाएगा हमारा पांचवा हीरो। बट आप लोग इन गेम अटैकिंग में आप लोग सिर्फ 4 हीरोज ही यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आप देखो गेम के अंदर बहुत सारे पेट्स आ चुके हैं बट आप लोग सिर्फ 4 हीरोज हैं, तो सिर्फ 4 हीरोज पे ही आप लोग पेट्स यूज़ कर सकते हो अलग अलग स्विच करके। उसी तरीके से स्विचिंग सिस्टम भी आप लोगों को हीरोज़ के साथ साथ देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग रॉयल चैंपियन को यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ करो, मतलब कि 5 हीरोज़ आपके पास होंगे लेकिन आप लोग अटैकिंग के समय सिर्फ 4 हीरोज़ ही यूज़ कर पाओगे, कुछ ये सिस्टम हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो क्लैश ऑफ क्लैंस वालों ने ये बोला है कि 80% चांस है कि हम लोग ईगल आर्टिलरी को भी मर्ज कर सकते हैं। प्रोबेबली 80% का चांस है कि हम लोग इसे मर्ज कर सकते हैं, ये उन्होंने कन्फर्म नहीं बोला लेकिन हाँ बोला कि 80% श्योर है हम लोग इसे मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइज हम लोग बात करें तो वो है गाइज अबाउट न्यू लेवल बैरक्स। जैसा कि आप लोगों को मैंने अपने इस वाले वीडियो के अंदर बताया था कि क्लैश ऑफ क्लैंस वालों ने अपने ऑफिशियल वीडियो के अंदर एक न्यू लेवल का बैरक्स हमें शो किया है। आई होप कि आप लोगों ने इस वाले वीडियो को देखा होगा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, देख सकते हो। बाय द वे, आप लोगों को पता होगा कि एक न्यू बैरक्स लीक हुआ है एंड इसके बारे में क्लैश ऑफ क्लैंस वालों ने कुछ भी नहीं बोला है, बट इसका रिप्लाई किया क्लैश ऑफ क्लैंस वालों ने कि आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा लेकिन बहुत ही जल्द ये भी अपडेट हम लोग अपने गेम के अंदर लाने वाले हैं। उसके बाद सुपरसेल से नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि क्या इस बार बिल्डर बेस या फिर क्लैन कैपिटल में कोई अपडेट देखने को मिलेगा या फिर नहीं, तो इसके ऊपर सुपरसेल ने डायरेक्टली मना कर दिया कि इस ईयर हम लोगों का कोई भी प्लान नहीं है कि हम लोग बिल्डर बेस या फिर क्लैन कैपिटल में कोई अपडेट लाने वाले हैं। इसका मतलब कि इनडायरेक्टली वो ये बता रहे हैं कि इस ईयर जो भी 2 मंथ बचा हुआ हमारे पास उसमें वो लोग होम विलेज का अपडेट हमें देंगे, मतलब होम विलेज के अंदर सारे अपडेट्स देखने को मिलेगा। किसी प्लेयर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जो कि सच में बहुत ही खास था और उसने ये बोला कि जो गेम के अंदर नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो तो अब पिछले वाले इवेंट्स को नहीं प्ले कर पाएंगे, तो उनको मतलब जो हीरो के पॉइंट्स हैं उनको परचेस करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है 1500 जेम्स। मतलब जब वो 1500 जेम्स इन्वेस्ट करेंगे तब उन्हें हीरो के पॉइंट्स मिलेगा। क्या कोई और तरीका हो सकता है गेम के अंदर जिससे हम लोग हीरो इक्विपमेंट्स परचेज कर सकें ओल्ड वाले? तो क्लैश ऑफ क्लैंस वालों ने इसका आंसर दिया था कि हम लोग प्रोबेबली चांसेस है कि हम लोग इसे ना CWL मेडल्स में डाल सकते हैं। जैसे कि आप लोग CWL मेडल्स के थ्रू स्किन्स परचेस करते हो, सीनरीज परचेस करते हो जो शॉप में आया है, उसी तरीके से वो ऐड कर सकते हैं हीरो इक्विपमेंट्स को
लीजेंड मतलब जो सीडब्ल्यू मेडल्स का शॉप होता है वहाँ पर वो लोग कुछ कुछ हीरो इक्विपमेंट जो ज़्यादा पुराना हो चुके हैं उनको वो लोग ऐड करेंगे ताकि आप लोग सीडब्ल्यू मेडल्स के थ्रू हीरो इक्विपमेंट्स परचेस कर सको। उसके बाद एक और प्लेयर ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा जो कि था कि क्लैश ऑफ क्लैंस वालों ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जो कि था इनसाइड द बिल्डर हट। उसके अंदर ये मेंशन उन्होंने किया कि वो एक नए गेम मोड पे वर्क कर रहे हैं जो कि समथिंग लाइक कि क्लैन गेम जैसा होता है ना, जहाँ पर आप लोगों को इवेंट्स कंप्लीट करने होते हैं और फिर आपको रिवॉर्ड्स मिलता है, उस तरीके से वो कोई न्यू गेम मोड पे वर्क कर रहे हैं। तो इसके ऊपर क्लैश ऑफ क्लैंस वालों ने सिंपल सा आंसर दिया कि वो इस ईयर ये इस चीज़ को लॉन्च नहीं करने वाले हैं। एंड इसके बारे में हम आपको कोई भी डिटेल्स नहीं दे सकते बिकॉज ये अभी रेडी नहीं है, तो इसका इन्फॉर्मेशन आपको आने वाले समय में मिल जाएगा। बट हाँ, क्लैश ऑफ क्लैंस एक न्यू गेम मोड पे वर्क कर रही है, सो ऑफकोर्स हमें एक नया गेम मोड देखने को मिलने वाला है प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स जो कि सुपरसेल वालों ने हमें प्रोवाइड किया अपकमिंग अपडेट से रिलेटेड। और यहाँ से मेरा जो बोनस मैं आप लोगों को देने वाला हूँ वो ये है कि टाउन हॉल 17 पे हमें एक न्यू ट्रूप देखने को मिलने वाला है जिसका बैरक्स कुछ इस टाइप का होगा, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी बात किया था। और हाँ, टाउन हॉल 17 से रिलेटेड क्लैश ऑफ क्लैंस वालों ने मतलब समझो ना कि टाउन हॉल को एक तरीके से लीक भी किया है, मतलब प्रोवाइड किया है, वो मैंने इस वाले वीडियो के अंदर कवर आउट किया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हो अगर नहीं देखा है तो। बाकी गाइस यही था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आप लोगों को इस वाले वीडियो के थ्रू एक नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा। एंड बाकी गाइस इसी तरीके के और भी मोर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, एंटिल बाय बाय।